साइड पर भी पहाड़ पर, सबसे पीछे वाले पहाड़ पर बर्फ दिख रही है। पहली बर्फ है हम लोग की जो यहाँ पे दिख रही है। और आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ और आगे बर्फ मिलती है। बर्फ का मतलब ये है कि स्नो। तो चलते हैं आगे और मिलते हैं आपसे। तो गाइस, ये जिस लोकेशन पे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर आएंगे। जैसे एक लद्दाख होता है या फिर और कहीं होता है, कश्मीर, हर इंसान सोचता है, बट गंगोत्री यमुनोत्री कभी सोचा नहीं था कि इधर साइड आएंगे। और ये सारी सीन जो हम देख रहे हैं अभी, आप जो देख रहे हैं, ये सारी सीन मतलब किसी के व्लॉग में या किसी के वीडियो में या फिर किसी और चीज़ में, मूवी में देखा करते थे, बट अब अपनी आँखों से देख रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है यार, कभी सोचा नहीं था यार, मतलब ये सारी चीज़ अपने आंखों से देख पाएंगे। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। और मेरी यही दुआएं रहेंगी कि आप लोग भी यहाँ तक आएँ और ये सारी चीज़ें देखें। बिकॉज़ अगर इंडिया में रहकर, ये जन्नत है इंडिया का, अगर आप लोग यहाँ सब नहीं आके ये सब नहीं घूम पाए तो फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं है यार इंडिया में रहने का। आप लोग इंडिया में रहकर यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ क्या, पूरा इंडिया टहले, पूरा इंडिया जन्नत है। तो प्लीज़ आइए यहाँ पर। और मुए तो नज़ारों का इतना इतना ज़्यादा नज़ारे को एंजॉय कर रहा हूँ कि कुछ कह नहीं सकता। सब वही पानी है, बर्फ का पानी, बर्फ का आ रहा है। और ऊपर से कितना पानी आ रहा है, देख रहे हो कितना। ऊपर एक घर देखो, ऊपर एक छोटा सा घर है। चलो, और उसी के तीन तरह से झरने बह रहे हैं भाई, खतरनाक।
सो गाइस अभी हर्षिल ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं और रुका हुआ था टी ब्रेक के लिए, तो मस्त आग चल रही है यहां पर और दोनों भाई मस्त बैठे हैं। अब चाय आ जाती है, चाय पीते हैं और लोग कहा और चाय आ भी गई भैया लेके। बड़ी वाली लो, बड़ी वाली ले। अच्छा तो बड़ी वाली चाय पीते हैं इसको और फिर यहाँ से देखते हैं। हर्षिल यहाँ से 8-10 किलोमीटर के आसपास है, पहुँचते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हर्षिल के थोड़ा सा आगे, हर्षिल और गंगोत्री के बीच में, और कुछ ऐसा नज़ारा है। तो यहाँ पर कैंपिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, दैट्स वाई हम लोग आए हुए हैं। एक रूम लिया है, कुछ इस तरह से रूम है, डबल बेड है, एक डबल बेड इधर है, एक डबल बेड उधर है। तो अभी के लिए तो ठंडी बहुत ज़्यादा है और ठंडी की वजह से हालत एकदम ख़राब हो गई थी और लगभग 12 घंटे हो गए हम लोग को बाइक चलाते चलाते, सिर्फ 250 किलोमीटर था। बट पहाड़ के रास्ते यूनो कि मतलब बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं, दैट्स वाई मतलब हम लोग बहुत कम ट्रेवल कर, 12 घंटे में सोचिए सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर हम लोगों ने, और थोड़ा सेफ जर्नी भी चल रहे थे, बहुत धीमे धीमे 20-30 दैट्स वाई। तो अभी के लिए पहुँच गए हैं रूम पर, पहले थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर देखेंगे आसपास खाना कहीं मिलेगा तो खाना खाने चले जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर सारी चीज़ें जल्दी बंद भी हो जाती हैं। तो अभी के लिए पहले तो थोड़ी आराम करते हैं और फिर खाना खाने चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस तो ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट -1-2 के आसपास है। और अभी खाना खाने के लिए आए हुए थे, इधर साइड अपनी पनीर राइस और रोटी बनकर आ रही है, शायद रोटी भी हॉट पॉट में आ गई है, तो रोटी अभी खाते हैं अपन और उसके बाद फिर निकलते हैं सोने के लिए। बहुत ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ धुलने तक का मन नहीं कर रहा है, एकदम हाथ एकदम जम सा गया है। तो अभी के लिए खाते हैं और फिर रूम में चल के सीधे मिलते हैं।